मुस्लिम बहुलक इलाकों से हिंदू आबादी के पलायन होने पर भूमाफिया की निगाहें मंदिरों पर टिकी हैं। एक एक कर मंदिरों के वजूद को खत्म किया जाने लगा है, जबकि कई मंदिरों के तो नामों निशान मिट गए। वहीं बेकनगंज, कर्नलगंज, चमनगंज में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके नामों निशान तक नहीं मिले। कर्नलगंज में बदर अली इमाम चौक से छठवीं संपत्ति शिव मंदिर की है। गुम्बदनुमा मंदिर के अवशेष को देखकर सहज अंदाज़ा होता है कि यह मंदिर का आगे का हिस्सा है, जबकि इससे लगा हुआ हिस्सा अतिक्रमण के चलते नष्ट हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग भी नहीं है, इसे कई सालों पहले हटा दिया गया था। तो वहीं चमनगंज के तकिया पार्क पुलिस चौक के सामने 88/52 शिव सहाय रोड चंपा भवन प्रेम नगर में प्राचीन शिव मंदिर है। भू माफिया मुख्तार बाबा की संपत्ति को कोठी बताकर अपनी बेटी नाज आयशा के नाम पर रजिस्ट्री करा ली। सितंबर 2019 में उदय शंकर निगम ने डीएम को इसकी शिकायत की, जिसमें कहा गया कि मंदिर में पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन कराने पर मुख्तार पुलिस की मदद से उसे रुकवा देता है। सुबह शाम आरती के समय मंदिर के टीन सेट पर कुछ लोग पत्थर फेंककर पूजा पाठ में विघ्न डालते हैं। 2 साल पहले हुई इस शिकायत पर कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। ऐसा ही कुछ मामला बेकनगंज के राम जानकी मंदिर का है। डॉक्टर बेरी चौराहे पर स्थित 99/14 ए बेकनगंज में भगवान श्री राम माता जानकी का मंदिर था। राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज था। मंदिर परिसर में आगे की ओर 18 दुकानें थी, जिन्हें धीरे धीरे भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और बाबा बिरयानी के नाम का रेस्टोरेंट बना दिया। मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कुछ अवशेष आज भी बाकी हैं, जिसका बहुत कम हिस्सा ही शेष बचा है। यह हिस्सा भी अपना धीरे धीरे वजूद खोता जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बेरी चौराहा से दादा मियां चौराहे की ओर जाने वाली रेडीमेड मार्केट में भी छत्री लोगों ने 2 मंदिर होने की जानकारी दी है। बताया गया है कि इन दोनों मंदिरों का एक जीर्ण छीर्ण अवस्था में है, जबकि ठीक सामने की गली में दूसरे मंदिर का कुछ हिस्सा टूट गया था, जिसे एक बिल्डर ने पूरी तरीके से हटा दिया और यहाँ बहुमंजिला मार्केट बना दी। जिला प्रशासन ने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस तरह शेष अवस्था में मौजूद मंदिर भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।